क्यों उसको चूज कर रहा हूं कल के लिए उसके पीछे का रीजन भी आपको दिखाने वाला हूं आज की वीडियो में वीडियो होगी बहुत ही लाजवाब और मैं आपको दूंगा प्रीवियस स्टॉक के परफॉर्मेंस ताकि आप लोग देख पाए कि हमने आपको जो स्टॉक दिए थे उन्होंने कैसा परफॉर्म किया और हमारे टेलीग्राम स्टॉक का टेलीग्राम में नहीं जुड़े हो जाके जुड़ जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्योंकि वहां पे मैं देता हूं बहुत सारे लर्निंग और अर्निंग लर्निंग और अर्निंग आइडिया तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो मेरे को इस वीडियो पर जाइए सबसे ज्यादा लाइक चलिए अच्छा जो हमने आपको स्टॉक दिए थे वो दिया था आई बैंक शॉर्ट सेल के लिए एक्सिस बैंक शॉर्ट सेल के लिए और एम एन एम फाइनेंशियल शॉर्ट सेल के लिए सारे बढ़िया रहे ठीक है मार्केट का मोमेंटम भी नीचे था और बढ़िया मोमेंटम हमको मिल गया नीचे साइड ठीक है ना तो बहुत बढ़िया हमको आज रिजल्ट मिला हमारे सारे स्टॉक में ठीक है आई होप आपने प्रॉफिट किया होगा ठीक है और तो सारे बढ़िया हमारे स्टॉक रहे बात करें अगर हम हम अपने अगर टेलीग्राम स्टॉक के परफॉर्मेंस की ये मैं नहीं कहना चाहूंगा ये आप बताइए कि आज आपने कितना एंजॉय किया हमने आपको बजाज फाइनेंस दिया था क्या जबरदस्त चला यार क्या जबरदस्त हम दोस्तों हमारे शॉर्टल नीचे, 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 नीचे चलते गया चलते गया हमने मस्त प्रॉफिट बुक किया बजाज फाइनेंस में हाँ आपको नहीं दिख रहा होगा कि हमने बजाज फाइनेंस कहां दिया टेलीग्राम में जुड़ जाइए क्योंकि दोस्तों जो आपको हम आपको यहां पर दे रहे हैं वो वो आपको कहीं और नहीं मिलेगा टेलीग्राम पर हमने आपको दिया बजाज फाइनेंस अगर बात करें हम किसकी जुबलेंट फूड जी

कल 13,600 के आसपास अगर आपको निफ्टी जाते हुए दिखता है वहां पे अगर आपको रेंज बनाते हुए दिखता है कमजोरी दिखता है आप वहां पे बेच के चल सकते हैं निफ्टी को मैं लेवल क्यों बोल रहा हूं क्योंकि दोस्तों देख सकते हैं आप यहां पे हमने एक चीज पढ़ रखी है कि प्रीवियस सपोर्ट बिकम करेंट रेजिस्टेंस ठीक है ये देख रहे हैं आप ये प्रीवियस सपोर्ट था ठीक है और ये लेवल ही बहुत बहुत बड़ा रेजिस्टेंस भी था ठीक है ये टूटा ठीक है छह का तेरह अब तेरह हजार छह सौ एक्ट करेगा एज द रेजिस्टेंस अब जब तक इसके नीचे रहेगा तब तक हमको उसको बेच के चलना है उछाल मिलेगा आपको बेच के चलना है ठीक है क्लोजिंग पे आपका छह सौ टारगेट होंगे आपके तेरह चार सौ uh, सत्तर के ये दो टारगेट हैं हाँ सुनिए मेरी बातों को फ्रेश बाय तभी करना है जब आपका निफ्टी तेरह हजार छह सौ के ऊपर निकल जाए फिर तो आपको फ्रेश बाय करना है तेरह हजार पांच सौ अस्सी का एसएल लगा के कितने के टारगेट के लिए तेरह हजार छह सौ सत्तर एंड तेरह हजार सात सौ के टारगेट के लिए फिर से फिर बैंक निफ्टी फिर ऊपर अपसाइड फिर रैली देखना देना स्टार्ट कर देगा क्योंकि आप देख सकते हैं मेरे पास रीजन भी है पिछली बार ये देखो 600 का लेवल तोड़ा था 600 के लेवल तोड़ने के बाद निफ्टी हमारा गया था 770 के आसपास अगेन से वही रेजिस्टेंस है ठीक है इसके ऊपर सब कुछ है पूरा दारोमदार इसके ऊपर है ठीक है तो ध्यान रखिएगा इन लेवल को अभी देखो निफ्टी डबल टॉप पे भी है तो क्या पता अगर ऊपर ना जाए यहीं पे आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है अगर लेगा निफ्टी तो 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 भी यहां पे शोशल कर सकते हैं ये कहां पर है ये आपका लेवल है तरह अगर तेरह के आसपास भी रेजिस्टेंस लेता है आप शोशल करके चल सकते हैं हमको ओवरऑल थोड़ा बिकवाली का व्यू रखना हाँ छह सौ के ऊपर बाय हम फ्रेश सोचेंगे अंडरस्टैंड अब देखिए इतनी बड़ी मोमेंटम के बाद हमने एक्जेक्टली जैसा कहा था एक्जैक्टली वही हुआ उछाल में बेच के चलेंगे उछाल मिला लोगों ने बेच के चला बहुत मॉर्निंग प्रॉफिट बुक करवाया हमने निफ्टी बैंक नि, निफ्टी में भी बहुत ही लाजवाब ठीक है तो उछाल हमको बेचके चलना है ठीक है बाकी आपको मैंने टारगेट बता दिया है जानते अपना बैंक, का बैंक निफ्टी भी अभी डबल टॉप पे और बैंक निफ्टी का जो हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है हमारा बहुत दूर है तीस हजार

सॉरी उनतीस हजार सात सौ सत्तर कैसे लगा के आप सेल कर सकते हैं बैंक निफ्टी को कहां तक के टारगेट के लिए उनतीस हजार पांच सौ एंड उन्तीस हजार तीन सौ पचास के टारगेट के लिए आप बेच के चल सकते हैं बैंक निफ्टी को यह रणनीति है ठीक है तो क्या पता आप देखो कैसे हमारे निफ, बैंक निफ्टी प्ले आउट कर सकता है जैसे मान लीजिए ऊपर जाएगा रेंज बनाएगा फिर नीचे आने लगेगा तो आप ये ये लेवल ध्यान रखिएगा ठीक है बाकी तीस हजार का आपका मेन मेन हर्डल है है ठीक मेजर आपका रेजिस्टेंस है जब तक के नीचे रहेगा तब तक आपको बेच के चलना ही है bank, को. So जब आपका बैंक निफ्टी कितने के ऊपर क्लोज हुआ है तो आपका बैंक निफ्टी तीस हजार दो सौ चार सौ ऊपर जब क्लोज हुआ है ठीक है मैं चार सौ क्यों कह रहा हूं क्योंकि देखो चार सौ हमारा यही पिछली बार का देखो आप प्रीवियस सपोर्ट बिकम करंट रेजिस्टेंस तो करंट रेजिस्टेंस बन चुका है तो जब तक ये लेवल नहीं सस्टेन होता तब तक हम बाय नहीं करेंगे बैंक निफ्टी को बैंक निफ्टी को फ्रेश बाय तभी करना है जब बैंक निफ्टी हमारा तीस हजार चार सौ के ऊपर क्लोज हो जाए को, को, कोई कैंडल फिर आप तीस हजार तीन सौ तीस के एसएल के साथ आप बाय कर सकते हैं तीस हजार पांच सौ एंड तीस हजार सात सौ के टारगेट के, के, के लिए तो अभी तो ये लेवल बहुत दूर है अभी 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 तो आने नहीं वाले आप ध्यान रखिएगा इन लेवल पे लिए इन लेवल के लिए आई होप आप समझ चुके निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू चलिए समझते हैं अब अपने कल के स्टॉक्स जो पहला स्टॉक है हमारा दोस्तों, है दोस्तों, हमारा दोस्तों 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 पहला स्टॉक जाने उससे पहले अगर आप भी हमारे फ्री ट्रेनिंग बैच में जुड़ना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना पड़ेगा दोस्तों हमारे हैंड्रोड के सब्सक्राइबर होने वाले वी आर वेरी एक्साइटेड एंड दिस इज ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ यू सो हैंड्रोड के पे हम हमारा फ्री ट्रेनिंग का लिंक पोस्ट कर देंगे तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो हमारे जल्द से जल्द हैंड्रुड के सब्सक्राइबर करवाइए एंड वहां पर हम आपको लिंक शेयर कर देंगे ठीक है तो ये काम आपको करना है चलिए अंत में जो पहला स्टॉक है जो पहला स्टॉक है हमारा उसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक दोस्तों देखो कोटक महिंद्रा बैंक में आपको बेच के चलना है क्योंकि देखिए कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या किया है एक क्रिटिकल सपोर्ट का बेट डाउन कर दिया है आप देख सकते हैं ये ये क्रिटिकल क्रिटिकल सपोर्ट सपोर्ट कितना था ये था पच्चीस का ठीक है अब 1925 का आपको लगाना है एसएल क्लोजिंग बेसिस पे सीबी यानी जब तक 10 मिनट के कैंडल उन्नीस उन, सौ उन, के ऊपर ना क्लोज हो तब तक आपको बेच के नहीं चलना तब तक आपको निकलना नहीं है ठीक है आपको फिर उछाल उछाल उच्छा, में बेच के चलना है अगर मान उछाल आप तो 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 आपको बेच के चलना है कोटक महिंद्रा बैंक को यहां मैंने दोनों टारगेट आपको बता दिए ठीक है ना तो इन दो टारगेट आपको प्ले आउट करना है मान लीजिए अगर फ्लैट खुलता है फ्लैट खुलने के बाद अगर हमारा कोटक महिंद्रा बैंक ऊपर जाता है नहीं है तो वहां पे मैं आपको रिवाइज कर दूंगा टारगेट एंड स्टॉप लो कहा आपको रिवाइज कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े जाकर जुड़ सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन है बॉक्स में ठीक so है सो सिंपल ये कोटक महिंद्रा बैंक तो चांसेस है कि नीचे आए कि तीन देखो कैंडल बन तो गई है यहां पर आप देख सकते हैं यहां पर डबल टॉप भी बना है मेरे को यहां पर बनते हुए दिख रहा था देख रहे हैं आप डबल टॉप भी बना है और यहां पर चांसेस है कि नीचे जाना चाहिए ठीक है यह पहला स्टॉक दूसरा स्टॉक है हमारा उसका नाम है एम्फेसिस दोस्तों एम्फेसिस बड़ा इंटरेस्टिंग सा स्टॉक लग रहा है मेरे को इसने दिया। uh, के चार्ट पे अब हमको क्या करना थर्टी मिनट के चार्ट पे थर्टी मिनट के चार्ट पे आप, यहां पे आप देख सकते हैं थर्टी मिनट के चार्ट पे एक रेजिस्टेंस uh, का ही ब्रेकआउट कर दिया है इसका ये लेवल है Uh, 1425 का अब कल कल के डेट में क्या करके चलना सुनिए जब तक इन्फेसिस 1425 के ऊपर ऊपर रहता तब तक आपको बाय करके चलना है बाय अब राइट uh, आपका ऐसा क्या होगा क्लोजिंग बेसिस पे? आपका कैसल हो जाएगा 1420 का जब तक 1420 के ऊपर रहता है तब तक आपको बने रहना है ठीक है तो आपको केवल इसी के ऊपर मान लीजिए खुलते ही गैप डाउन खुला तो आपको मत लेना वहां पे ऐसा मत सोचिएगा कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बाय के लिए सस्ता खुल रहा सस्ता मिल रहा है तो नहीं इसके ऊपर जब क्लोज होगा तभी आपको बाय करना है क्योंकि यहां पे आप देख सकते हैं डबल टॉप का ब्रेकआउट भी हो चुका है ठीक है ऐसे समझ चुके हैं जो फर्स्ट टारगेट होगा आपका फर्स्ट टारगेट क्या होगा अगर आप मान लीजिए थर्टी आसपास बाय करते हैं ट्वेंटी के ऊपर तो आपका फर्स्ट टारगेट हो जाएगा फोर्टीन का ठीक है फर्स्ट टारेगा फोर्टीन हंड्रेड फोर्टी फाइव का सेकंड टारगेट मैं आपको अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं जाकर जुड़ सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है ठीक है तो चांसेस है में और अपसाइड के मूवमेंट के लिए डेली के चार्ट पे भी देख सकते हैं आप ब्रेकआउट दे चुका है चांसेस है ऊपर जाने के लिए सी क्या होता है राइट तो ध्यानपूर्वक काम करिएगा ऐसा लगा काम करिएगा नीचे खोले तो मत लीजिएगा चलिए जानते हैं अपना थर्ड स्टॉक थर्ड स्टॉक है थर्� उसका नाम है सिस्टम सिस्टम दोस्तों को हमको बाय करके चलना है इसमें हुआ क्या है देख सकते हैं इसमें इसने ब्रेकआउट कर दिया है थर्टीन एट्टी थर्टीन समथिंग का लेवल था जो कि ब्रेकआउट हो चुका है अगर मैं आपको आवर्ली के चार्ट पर दिखाऊं तो यहां पर आप आवर्डी के चार्ट पे दोस्तों देख सकते हैं एक लेवल था ये वाला ये इस लेवल का इसने ब्रेकआउट कर दिया है ठीक है ये लेवल कितना था दोस्तों ये आपका लेवल था थर्टीन हंड्रेड एट्टी का राइट थर्टीन एट्टी के जब तक ऊपर रहता तब तो तक आपको बाय करके चलना है क्लोजिंग बेसिस सीबी क्लोजिंग बेसिस पैसल क्या होगा थर्टीन हंड्रेड एट्टीन का ठीक है बाकी आपको इसमें जब तक हमारा ये इसके ऊपर रहता है बाकी जब तक ये थर्टीन एट्टी के ऊपर रहता तब तक आपको बाय करके चलना है आपका जो फर्स्ट टारगेट क्या होगा दोस्तों जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा आपका फोर्टीन हंड्रेड का जो सेकंड टारगेट होगा आपका वो होगा फोर्टीन हंड्रेड फोर्टीन का ये दो टारगेट आपको बाय करके चलना है परसिस्टेंट सिस्टम में ठीक है चांसेस है और ऊपर जाए बाकी देखिए मैं सलाह दूंगा कि आप थोड़ा जब 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 पे पर थोड़ा सा और ज़ मजबूती जब दिखे तो तो ही आप यहां पे बाय करके चलिएगा जब यहां पे ग्रीन कैंडल स्टिक्स दिखे नीचे खुले तो आप मत लीजिएगा प्लीज ये में सोचिएगा कि अच्छा नीचे खुल रहा तो और सस्ता में मिल जाएगा और बढ़िया हम लोअर लेवल पर ले लेंगे नहीं अवॉइड करिए प्लीज ठीक है ये है परसिस्टेंट सिस्टम का चार्ट जो कि जो 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 कि हमको बाय करके चलना है बाकी आपको पता है 1400 के ऊपर निकलेगा तो और शूट अप करेगा ध्यान रखिएगा परसिस्टेंट सिस्टम चलिए जानते हैं अपना लास्ट स्टॉक जो लास्ट स्टॉक है हमारा उसका नाम है बजाज फाइनेंस दोस्तों बजाज फाइनेंस को बेच के चलना है क्योंकि बजाज फाइनेंस ने क्या किया है बजाज फाइनेंस ने ब्रेकडाउन दे दिया है ठीक है और बजाज फाइनेंस ने कितने का देखो ब्रेकडाउन दे दिया है इसने दे हमारा फाइव हमारा 5070 के लेवल का आप देख सकते हैं ये लेवल आप देख सकते हैं ठीक है ये लेवल हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस था अब ये करंट सपोर्ट बन चुका है ठीक है सॉरी प्रीवियस रेजिस्टेंस था प्रीवियस सपोर्ट भी था अभी करेंट रेजिस्टेंस बन चुका है अब यहां पे आपको 5070 के जब तक नीचे रहता तब तो तक आपको बेच के चलना है उछाल मिल उछाल मिलता है तभी आपको बेच के चलना है ठीक है उछाल कहां तक मिल सकता है मान लीजिए फाइव थाउजेंड तक का उछाल मिलता है 5060 तक का उछाल मिल सकता है <laughs> तो भी आप बेच के चल सकते हैं ये बाउंस की रेंज है ठीक है सो so सिंपल बाकी जो आपका एसल होगा वो होगा 5070 का क्लोजिंग बेसिस पे जब तक जब कोई कैंडल दस मिनट की ऊपर ऊपर निकल जाए 5070 का तब आपको निकल जाना है ठीक है जो आपके फर्स्ट टारगेट होंगे अगर आप ऊपर शॉर्ट सेल करते हैं मान लीजिए साठ के आसपास शॉर्ट सेल करते हैं सिक्सटी के आसपास तो जो आपका फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा आपका फाइव uh, थाउजेंड का एंड सेकंड टारगेट होगा आपका फाइव का जो आपका फर, जो अगर आप मान लीजिए यहाँ पे फ्लैट खुलता है फ्लैट खुलता तो क्या करेंगे वहां मैं टारगेट और स्टॉप लॉस अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में सो ये है स्टॉक जो कि आपको कल शॉर्ट सेल करके चलना है ठीक है कैश के स्टॉक दिए मैंने ठीक है और जो जिस स्टॉक मेरे को कमजोरी दिख रही है दो एक बैंकिंग और एक फाइनेंशियल दिया है जिसमें सेलिंग हमें देखने को मिल सकती है हमको आशा है कि बढ़िया स्टॉक ये परफॉर्म करेंगे और दिस इज ऑल टुडे और दोस्तों वीडियो आज की कैसी लगी कमेंट डाउन बिलो एक एक व्यक्ति कमेंट में लिख के बताइएगा हम आपके कमेंट का बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं क्योंकि देखिए हमने मेहनत की है हमने टेलीग्राम पे बेस्ट स्टॉक दिए हैं बेस्ट लर्निंग दी है बेस्ट फ्री अर्निंग दी है ठीक है तो हम आपका कमेंट का वेट करते हैं हम आपके लाइक का वेट करते हैं ठीक है और आज तो हमने बहुत ज्यादा लोगों को प्रसन्न किया बहुत ज्यादा लोगों को एंजॉय करवाया हमारे टेलीग्राम में ठीक है अगर आपको भी जुड़ना है जाइए और अगर आपको फ्री ट्रेडिंग में जुड़ना है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बोले हमारी ट्रेडिंग सर्विस को टिल देन वाइंड अप करते हैं आज का वीडियो नमस्कार आप सभी